अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के जो है 9 क्लास के इस्लामियात के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे और इनशाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आदम जी कोचिंग सेंटर के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, यजीद ने कोफा का नया गवर्नर बनाया था। उबैदुल्लाह बिन जयाद को जो है यजीद ने कोफा का नया गवर्नर बनाया था। आगे हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर टू की। ये आलमी तौर पर इज्तमाई ताकत का दर्स देता है, तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है लास्ट ऑप्शन है, सही है। आगे एमसीक्यूज नंबर थ्री की बात करें, अपने रिश्तेदारों के सुख में शरीक होना डैश कहलाता है, सुलह रहमी कहते हैं उसे हम, सही है। एमसीक्यूज नंबर फोर की बात कर लेते हैं, अकीदे तौहीद इंसान में क्या पैदा करता है, इस जो इनकसारी जो है अकीदे तौहीद इंसान के अंदर जो है पैदा करता है। आगे हम बात करें एमसीक्यूज नंबर फाइव की, दाई का काम है कि मुखातिब की तनकीद सुनकर उससे डैश करे, दरगुजर करें, ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर है इसका। एमसीक्यूज नंबर सिक्स की बात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, तो मैं आपको यहाँ पर आपको एक चीज कंफर्म करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से जो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं कर रहा। एमसीक्यूज नंबर सेवन की बात करें हम लोग, ये जिंदगी इंसान की तमदनी जिंदगी की सबसे पहली कड़ी है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर खानदानी जिंदगी, सही। आगे हम बात करें एट एमसीक्यूज की, अहले इलम में अंबिया कराम के डैश हैं तो वारिस हैं, आपके पास जो है अलिफ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नाइन एमसीक्यूज की बात करें, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल सन 57 हिजरी में रमजान की किस तारीख को हुआ, तो 17 रमजानुल मुबारक में जो है उनका इंतकाल हुआ था। आगे हम बात करें 10 एमसीक्यूज की, दुनिया में इंसानी हकूक का तहफ्फुज़ सिर्फ और सिर्फ इसके जरिए मुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ जहाद के जरिए मुमकिन है, आपके पास बे ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 11 एमसीक्यूज की बात करें, इंसान की फलाह निजात का दारो मदार किसके ऊपर है, ईमान और अमल सालिया के ऊपर जो है इंसान की फलाह और निजात का दारो मदार है। आगे एमसीक्यूज नंबर 12 की बात करते हैं, इतहार के मायने है पाकीजा, सही है, आपके पास जीम ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 13 की बात करें, ये सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून है, बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून है। आगे हम बात करें 14 एमसीक्यूज की, जालिम हुक्मरानों के सामने ये कहना भी जहाद है, हक कहना भी उनके सामने क्या है, जहाद है। आगे हम 15 एमसीक्यूज की बात करते हैं, जहाद को इस्लाम में ये कहा गया है, बहुत बड़ी इबादत जो है कहा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं 16 एमसीक्यूज की, इंसान को पैदा करने का मकसद क्या था, अल्लाह ताला की इबादत करना, सही है। आगे हम बात करें 17 एमसीक्यूज की, इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है वो अकीदा तौहीद है, सही। 18 एमसीक्यूज की बात करते हैं, असमी का मतलब क्या है, कि अल्लाह ताला के नाम में से एक नाम है जिसका मतलब है सब कुछ सुनने वाला, सही है। 19 एमसीक्यूज की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, ईमान की दौलत जो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके पास। एमसीक्यूज नंबर 20 की बात करते हैं, कुरान मजीद की इस सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी होती, तो ये तो आप सब बच्चों को पता होगा वो तौबा जो है इसके अंदर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है नहीं पढ़ी जाती। आगे हम 21 एमसीक्यूज की बात करें, पहली वही किस इस्लामी महीने में नाजिल हुई, रमजानुल मुबारक के महीने में जो है पहली वही नाजिल हुई थी। आगे हम 22 एमसीक्यूज की बात करते हैं, पहली वही सूरतुल अलक की आयात नाजिल हुई थी, तो वो 1 से लेके 5 तक जो है नाजिल हुई थी, सही। एमसीक्यूज नंबर 23 हमारे पास, खानदान की खूबसूरती है, तो औलाद जो है खानदान की खूबसूरती होती है। एमसीक्यूज नंबर 24 की बात करें, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की आखिरी अब्दी इलाही किताब जो है वो कुरान मजीद है, सही है। 25 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुक्म से दावत तबलीग का दूसरा मरहला, देखो बेटा यहाँ पर अगर आपके पास पहला मरहला लिखा हुआ आता है तो आपके पास आंसर होगा खुफिया तबलीग, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया दूसरा मरहला,
तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा, एलानिया तबलीग, सही है। 26 एमसीक्यूज की बात करते हैं, हुज्जतुल विदा के मौके पर हाजियों की तादाद कितनी थी, 1,00,000 से जो है जायद तादाद थी आपके पास, सही है। 27 एमसीक्यूज की बात करते हैं, इस मुकाम पर इस्लाम का पहला मार्का हुआ, तो जंगे बदर जो है इस्लाम का पहला मार्का था। अगर हम दूसरे मार्के की बात करें तो आपके पास जंगे ओहद थी, सही है। 28 एमसीक्यूज की बात करें, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीने में पानी का कुआं खरीद के वक्त फरमाया, इस कुएं का नाम क्या था। अगर आप अपनी इस्लामियात की बुक उठाएं वहां पर जो है इसका जो कुएं का नाम जो मेंशन है वो यहां पर इन ऑप्शंस के अंदर जो है मौजूद नहीं है, तो उस कुएं का नाम जो है बैर रुमा लिखा हुआ है, सही है। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, इस पर जो है इसके अंदर राइट आंसर नहीं लगा रहा। 29 एमसीक्यूज की बात करते हैं, हकीकत में कुरान की वजाहत और तशरी का नाम है, एक काम इलाही जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। 30 एमसीक्यूज की बात करते हैं, लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, पहले तमाम अंबिया कराम अपनी कौम के लिए थे लेकिन डैश पूरी उम्मत के लिए है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरी उम्मत के लिए। यहाँ हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, बाकी जो है आपके पास हिस्सा बे, आप उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी लास्ट में जो है आप तैयारी करके जो है जाए, इनमें से जो है सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी जो है एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे नंबरों से कर सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज बोर्ड।